सो गाइज वेलकम दी बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप जो है वो कैसे पबजी मोबाइल ग्लोबल डाउनलोड कर सकते हो अपने iOS डिवाइस में। और अगर आपको अपडेट भी करनी है तो सेम यही ट्रिक उसमें भी काम करेगी, क्योंकि यार BGMI आने के बाद लोगों ने अपनी कंट्री चेंज करके इंडिया कर दी थी, तो वो पबजी ग्लोबल जो है वो खेल नहीं पा रहे थे, क्योंकि यार iOS में तो अब तक भी BGMI नहीं आई। और जिन भाइयों ने ग्लोबल करी हुई थी तो उनको अपडेट करने में भी दिक्कत आ रही थी, तो सारी दिक्कत यार यहीं पे ही दूर करूँगा मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें यार वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप पबजी ग्लोबल को डाउनलोड कर सकते हो और बिना VPN के उसे चला सकते हो। तो देर ना करते हो यार, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो जो मैं स्टेप बताऊंगा वो आपने ध्यान से करने हैं, तो आप जो है वो पबजी ग्लोबल डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो आ जाते हैं अपनी iPad की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है ऐप स्टोर में आ जाना है अपने, और अपनी जो फ़ोटो है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ तो नया पेज खुलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कंट्री रीजन का ऑप्शन होगा, तो उस पर आपने क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद चेंज कंट्री और रीजन पे आपने फिर से क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की साइड आ जाना है। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का आपको एक कंट्री दिख रही होगी, तो उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली ऊपर से एग्री कर देना है ऐसे राइट कॉर्नर से। तो उसके बाद एक नया पेज खुल के आएगा, और यहाँ पे देखो अभी थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है, तो नया पेज खुल के आता है यहाँ पे। और जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल है उसको आपने नन कर देना है। तो उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, तो नेम ये अपने आप ही उठा लेगा। और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हुए हैं स्ट्रीट का, तो स्ट्रीट का ऑप्शन यहाँ पे दो बार दिया हुआ है। यहाँ पे आप कुछ भी भर सकते हो, XYZ जो आपका दिल करे वो भर सकते हो। तो इसमें भी मैं देखो एक में XYZ भर देता हूँ, तो दूसरे में YZX भर देता हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिटी पे आ जाते हैं, तो सिटी पे यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे भी कुछ भी भर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो उसके बाद मेन चीज जो है वो स्टेट है, तो स्टेट में आपने लंबा सेलेक्ट करना है जो पहले नंबर पे है। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने जिप कोड जो है वो यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करके डालना है। और ये चीज़ आपने बैक बिल्कुल भी नहीं करनी, मतलब जब आप ये चीज़ लिख रहे होंगे या तो आप स्क्रीन शॉट लेना, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपने सेम टू सेम ऐसे ही डाल देना है जैसे मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद फ़ोन नंबर में 1, 2, 3, 4 जो भी आपको सही लगे 10 अक्षरों का वो आप भर सकते हो। तो उसके भरने के बाद सीधा आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो ऊपर से आपने सिर्फ और सिर्फ डन करना है और कुछ नहीं करना इसके बावजूद। तो जब आप ऐसे करोगे तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग ले गए, और उसके बाद आपका जो ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे अपना पबजी सर्च करना है, पबजी मोबाइल लिखना है, और आपकी पबजी जो है यहाँ पे शो होने लगेगी, तो वहाँ से उसे आपने डाउनलोड कर लेना है। और मैं ये बात दोबारा से आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप ये डिटेल भरोगे ना जो मैंने बताई, तो आपने बैक नहीं करना है कि बैक करके डिटेल भरी तो आपका नहीं चलेगा। तो आपने पहले स्क्रीन शॉट ले लेना है, उसके बाद डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने पबजी पहले से ही डाउनलोड है, तो मेरे पे ओपन दिखा रहा है। और अब मैं बता देता हूँ कि कैसे आप जो है वो बिना VPN के पबजी चला सकते हो। तो सबसे पहले आपने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद आपने सीधा अपने वाईफाई पे क्लिक करना है, और नीचे कॉन्फ़िगरेशन DNS पे क्लिक करना है। तो जो भी मैनुअल है मैनुअल पे क्लिक करने के बाद जो भी पहले से ही सर्वर होगा उसे डिलीट कर देना है। और यहाँ पे जो मैं डाल रहा हूँ आपने सेम टू सेम डालना है, यहाँ पे 185.229.29.214, और ऊपर वाले को ही कॉपी करके एक बार नीचे पेस्ट कर देना है। बस लास्ट का अक्षर आपने जो है वो चेंज करना है, जो 14 है वहाँ पे 15 कर देना है। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपने सिंपली इसको सेव कर देना है, और अपनी पबजी जो है वो ओपन कर लेनी है। तो आपकी पबजी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगी बिना किसी VPN के।